हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा जिस तरह से केमिकल बॉन्डिंग का मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का छोटा सा कंसेप्ट अपलोड किया है, आई मीन टू से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एवरी कॉर्नर क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी से हो या रेफरेंस बुक से हो, सारी चीजें डिस्कस कर लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग से और एक टॉपिक होगा, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मैं जानता हूँ बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, डरना कुछ भी नहीं है, मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे और वो चीज़ को बहुत उसको एमओटी को इतना आसान बना के दूंगा कि आप लोग भी एंजॉय करोगे एमओटी बनाते बनाते। आई मीन टू से एमओटी पढ़ते पढ़ते आप लोग भी एंजॉय कर लोगे। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा होगा दैट इज अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चैप्टर तो वही है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। और जिस तरह से मैंने बताया था बेटा कि केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर इंट्रोडक्शन से लेके सब टॉपिक के अंदर जाते जाते करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो मेरे YouTube में बेटा केमिकल बॉन्डिंग की पूरी सीरीज अपलोडेड है, आप देख सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग का एक एक जो छोटा छोटा टॉपिक है उसको एक एक टॉपिक को पूरी डिटेल से हम लोग बेसिक से कंसेप्ट लेके विल सी द सिंपल क्वेश्चन गिवन इन द एनसीईआरटी और डिफिकल्टी और ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन भी जो आते हैं इसमें वो भी समझ लेंगे। तो बेटा आज का टॉपिक होगा बेस्ड ऑन दिस केमिकल बॉन्डिंग है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टॉपिक हमारा बेटा कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम लोग बार बार ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे बेटा एमओटी, राइट, शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे उसको एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो चीज समझेंगे बेटा एमओटी थ्योरी है क्या, क्यों एग्जिस्ट हुई, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। बेटा आपने जहां तक केमिस्ट्री पढ़ा होगा किसी ने कुछ बनाया उसमें लिमिटेशन आ गई, कोई नई थ्योरी आके उसको एक्सप्लेन करा गई, फिर जिसने नई थ्योरी बनाया उसमें लिमिटेशन आ गई उसको एक्सप्लेन कराने के लिए और एक थ्योरी आ गई। मतलब कहते हैं ना बेटा हर एक चीज को जहां लिमिटेशन आती है उस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी एग्जिस्ट होती है। मतलब दुनिया में चीज कभी रुकती नहीं है बेटा, वो आगे बढ़ती जाती है उसी तरह से ये है। हम बात करेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, अगर आपने पढ़ा होगा वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन आया था, मैं बताऊंगा नहीं आया था, क्या था कि मीथेन मॉलिक्यूल में चार बॉन्ड है, चारों के चारों बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं दिख रही है अकॉर्डिंग टू वीबीटी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि चारों के चारों बॉन्ड की एनर्जी सेम थी, एक्सपेरिमेंटली सेम थी, लेकिन वीबीटी जो वीबीटी थ्योरी दी गई उनकी थ्योरी के हिसाब से चारों के चारों बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं थी, बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं था। फिर वो एक्सप्लेन कराने के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ गया, बट हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग वाली थ्योरी, वो लड्डू बना के खिलाते, आपको नहीं मालूम, मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है, वो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को लड्डू बनाने वाली थ्योरी बोलते हैं। व्हाट इज दैट, मेरा थ्योरी मेरा यूट्यूब में वीडियो देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन ने उसको एक्सप्लेन करा लिया, सही बात है, हाइब्रिडाइजेशन करते करते उसमें लिमिटेशन आ गया, भाई उसमें लिमिटेशन आ गया उसको एक्सप्लेन कराने के लिए वीएसईपीआर आ गए। अब वीएसईपीआर वहां तक चली है, अच्छी बात है, लेकिन ये एमओटी थ्योरी उससे थोड़ा हटके है। उससे हटके मतलब क्या है, हमसे पूछा गया ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा सुन लो, ये जो मॉलिक्यूल है N2 का मॉलिक्यूल, ये क्या पैरामैग्नेटिक है क्या डायमैग्नेटिक? तो मैं बोलूंगा बेटा ये डायमैग्नेटिक है, और वहां एक्सप्लेन भी ऐसे ही किया था कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है। बेटा कोई भी मॉलिक्यूल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब एबसेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलो, राइट, एबसेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या तो पेड अप हो या तो डब्बे पूरे खाली हो, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक, मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब डायमैग्नेटिक। तो आप सोचो बेटा अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं होगा, होगा ना, वही बात है यहां पे। तो N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है मतलब उसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सर डायमैग्नेटिक है नो अनपेड हमको तो समझ में नहीं आ रहा, अच्छी बात है भाई अब समझा देंगे। ये नाइट्रोजन है और आप जानते हो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 थी, उसकी वैलेंस चेन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2.5। बेटा 5 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3 और उसके सर पे एक लोन पेयर लगा के रख देते हैं। वैसे बगल वाला नाइट्रोजन उसके भी सर पे एक लोन पेयर लगा दिए और उसके भी 3 अनपेड लगा दिए, अच्छी बात है। अब तीनों के 3 अनपेड क्या करेंगे भाई, तू मेरे को दे मैं तेरे को देता हूँ, शेयरिंग करा के बॉन्डिंग बना लिए, नहीं समझा, शेयरिंग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, 2, 4, 6 + 2, 8 स्टेबल, इसको 2, 4, 6, 2, 8 स्टेबल। सर शेयरिंग करा के बॉन्ड बना लिया, मॉलिक्यूल में अनपेड है ही नहीं, अच्छी बात है सर, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बन गया डायमैग्नेटिक, वेरी गुड। फिर एक भाई साहब आगे आ गए, अरे यार ये मेरे पास में ये मॉलिक्यूल रखा हुआ है इसका नाम O2 है, अच्छी बात है,
सर इसमें अनपेड है कि नहीं है, तो उन्होंने बोला आप ये बनाए मैं ये बनाऊंगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, उसके वैलेंस में 2.66 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन्होंने बोला ऑक्सीजन के सर पे भी एक लोन पेयर है, पाव पे भी एक लोन पेयर है, दो और दो चार हो गए और दो अनपेड है, छह आएंगे ना, 2+2=4, 4+2=6 ऑक्सीजन। बाद बगल वाला ऑक्सीजन बेटा उसके सर पे भी एक लोन पेयर, पाव में भी एक लोन पेयर, दो और दो चार हो गए, 5 और 1 6, ये भी सही है। फिर इसने बोला तू मुझको दे मैं तेरे को दे के शेयरिंग करा के, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते, देखो कैसे 2, 4, 6, 2, 8 खत्म, इसको देखो 2, 4, 6, 2, 8 खत्म। अरे वाह, शेयरिंग से बॉन्ड बना लिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है मैं इसको क्या लिख दू, सर मैं डायमैग्नेटिक लिख दू। अच्छी बात है सर लिख दो, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बात ये जो थी बेटा ये बात पेपर पे चली, बोर्ड पे चली कि ये है। फिर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए ले गए, उन्होंने ले गए N2 को लैब में, और एक पर्टिकुलर थ्योरी थी और ये पर्टिकुलर ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस से पास किया। बेटा ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वैसे मैंने भी फिजिक्स पढ़ाया, आपने ही पढ़ा है बेटा। जो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होते हैं दे आर रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सही है ना? जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करते हैं, रिपेल्ड करते हैं। तो भाई N2 को देखा गया, अरे वो रिपेल्ड कर गया, सर सही बात है आपने जो बताया डायमैग्नेटिक वो सही है। फिर O2 को डाले उसमें से, अब O2 भी क्या कर रहा, रिपेल्ड कर रहा था, रिपेल्ड करने के बजाय क्या कर गया, अट्रैक्ट कर गया। बेटा दिस O2 मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बेटा इट इज अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर उनको लगा कि साहब आपने जो थ्योरी बताया O2 मॉलिक्यूल की, O2 मॉलिक्यूल की जो थ्योरी बताया वो थ्योरी तो सर कैसी है, वो थ्योरी गलत है। क्यों भाई? अगर आप इसको डायमैग्नेटिक बोलते हो वो रिपेल करता तो ये भी डायमैग्नेटिक रिपेल करना था ना, नहीं करा सर, नहीं करा मतलब कहना कि हमारी थ्योरी गलत हो गई। फिर लोग इसके ऊपर बहुत काम करने लगे, काम करते 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 किसी साहब ने ये थ्योरी की डिस्कवरी करा ली है, इसके नाम बाद में बताएंगे। इसके बाद क्या हो गया, इनको थ्योरी की डिस्कवरी करा ली, अब इन्होंने बताया कि इस O2 को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, और एक्सप्लेन करने के बाद ये देखा गया कि इसमें कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए गए। क्या पाए गए बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए गए। तो अब क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है बेटा O2 मॉलिक्यूल कैसा बिहेव कर गया, इट बिहेव लाइक ए पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका मतलब इट विल बी क्या हो गया, सही बात है सर, अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये थ्योरी का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ, अकेले O2 के लिए नहीं, बहुत सी थ्योरी थी, पर बच्चों को समझाने के लिए हम ऐसे ही बताते हैं। N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक, इट विल बी रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, O2 मॉलिक्यूल भी उसके जैसे दिखता है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मस्ट बी रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड होने के बजाय अट्रैक्ट होता है। अब अट्रैक्ट होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, उसको एक्सप्लेन कराते कराते एक थ्योरी का एग्जिस्टेंस हो गया जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसमें से पता लगता है इस O2 मॉलिक्यूल में सारे पेड अप नहीं है बेटा, कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंस होते हैं। इसका मतलब हमारा O2 मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, एंड बेस्ड ऑन दिस वन वी कैन से O2 मॉलिक्यूल कैन बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बात आ गई भाई MOT है क्या, तो अब हम लोग थ्योरी पे आएंगे, हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और उसमें सीखेंगे कि हमारी MOT थ्योरी हमको क्या सिखाती है, राइट? यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा है, व्हाट इज दैट, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ है, कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिखते तो डायमैग्नेटिक है लेकिन बिहेव करते पैरामैग्नेटिक के जैसे। तो डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होगा बेटा, डायमैग्नेटिक का मतलब होगा जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड अप है, और जो पेड अप होते उनको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा दो तो रिपेल्ड करते हैं। तो वैसा N2 आपका डायमैग्नेटिक था, O2 भी आपको डायमैग्नेटिक लग रहा था, लेकिन जैसे ही आप एक्सपेरिमेंटली देखे वो बिहेव कैसे कर रहा था बेटा, पैरामैग्नेटिक की तरह। तो उसको एक्सप्लेन कराने के लिए ये थ्योरी का एग्जिस्टेंस हुआ, कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपने देखा बेटा अगर कोई एटम लिखूं मैं, लेट मी टेल यू, अगर मैं कुछ एटम्स लिखता हूं,
तो बेटा एटम्स की बात की है तो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। हाँ बेटा, अगर एटम्स हो तो एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। बेटा एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब अगर मैं हाइड्रोजन बात करूं, उसकी एटॉमिक नंबर 1 है, तो बेटा मैं ऐसे लिखूं 1s1। तो ये आपका 1s है क्या? सर ये 1s इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब सारे एटम्स के पास क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब किसके लिए होगा? तो भाई पक्का इससे जुड़ता उड़ता होगा। कैसे भाई? एटम्स था तो एटॉमिक ऑर्बिटल, तो सर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स को क्या आएंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स को आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? एटम्स है एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन सकते हैं? तो सुनो ये समझाना है। मॉलिक्यूल के लिए आप क्या करोगे बेटा? एक हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम से जोड़ के आपको इस तरह से मॉलिक्यूल बनाया जाता है। हाँ बेटा, क्योंकि ये था आपका एटम, ये भी है आपका एटम, और दो एटम जुड़ के आपको क्या दे रहे हैं? मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल्स में आपको क्या मिलेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये होते कैसे यही सीखना है हमें, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते कैसे यही सीखना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, तो आप बोलो 1s हो सकता, 2s हो सकता, 2p डैश डैश डैश। तो सर ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? भाई सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, पाई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, डेल्टा भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन हमारे हमारे एनसीईआरटी में, हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। अब हायर स्टडीज में जाओगे तब डेल्टा के बारे में बताया जाएगा। तो अभी तो हमको इतना ही सीखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो सकता है बेटा? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या थे सर? 1s 2s 2p मूलर डायग्राम याद है आपको? वो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, लेकिन जब दो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसमें आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेके सिग्मा पाई एंड डेल्टा के बारे में बताया जाता है। तो इसके बारे में सीखना है बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे। तो लेट मी टेल यू पॉइंट नंबर 1 बेटा, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व, राइट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा इन्वॉल्व कर गए है ना, उतने आप इन्वॉल्व बोल सकते हो या कंबाइन भी बोल सकते हो, अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इट इज इक्वल टू और इट गिव्स सेम। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल दो दे रहे हैं, दो कंबाइन हो रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आपको दो मिलेंगे। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। ये एक पॉइंट समझ लो, और समझाने की मैं इसमें एक पॉइंट में एग्जांपल समझा दूंगा कि जितने नंबर ऑफ आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सुनो इसका एग्जांपल बेटा, हो सकता है मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम है, और ये आपको H2 का मॉलिक्यूल दे रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको ऐसा लेना पड़ेगा बेटा, ये 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये भी 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं ना, तो बेटा यहां दो दो पॉसिबिलिटीज आती है, ये ऐसे समझाया जाते हैं। मतलब एक्चुअल में ये आपकी बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर मतलब एक एनर्जी की लेवल है। तो ये दोनों कंबाइन होके आपको यहां पर या तो सिग्मा 1s दे सकता है, या तो बेटा आपको यहां पर सिग्मा स्टार 1s दे सकता है। मैंने अभी बोला ना सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ये सिग्मा स्टार का मतलब क्या है? ये बताता है कि ये सिग्मा जो बनाया है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी बॉन्डिंग क्या होगी, एंटीबॉन्डिंग क्या होगी, ये समझाना है यहां पर। और सिग्मा स्टार जो होगी ये बेटा आपकी होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई मुझे ये पॉइंट समझाना है, आपके ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? तो बोलना सर दो है। कौन से दो है? एक BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बेटा ये ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है। कितने? सर दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। भाई दो क्यों है? क्योंकि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो इन्वॉल्व हुए थे। तो बताना तो यही चाहता था मैं क्या बेटा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। तो देखो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दो इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म है? दो। अब दो कौन से? भाई वो हो सकता है BMO का और एक हो सकता है ABMO का। सुनो बेटा,
केमिस्ट्री का एक रूल है, मैं हमेशा बताते हैं, अभी भी बताऊंगा, आगे भी बताते रहूंगा, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, बीएमओ की एनर्जी एक्चुअल से कम तो बीएमओ ज्यादा स्टेबल, एबीएमओ एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एक्चुअल से ज्यादा, तो एक्चुअल से ज्यादा तो बेटा एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो कभी भी आपसे पूछा जाए इन दोनों में बीएमओ और दूसरा बेटा एबीएमओ, इन दोनों में अगर कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर की पूछा बेटा कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बोलो बेटा बीएमओ इज मोर स्टेबल देन एबीएमओ, क्योंकि लेस द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी। देख लो बेटा पॉइंट, ये पहला पॉइंट एक्सप्लेन करा के दे दिया मैंने, इज इट क्लियर? अब इसको भी समझने के लिए थोड़ा सा और चलेंगे हम लोग कि ये ऐसा हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट एंड ऑल। तो देखो बेटा मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका बीएमओ क्यों बना होगा, एबीएमओ क्यों बना होगा, इसको भी थोड़ा क्लियर कंसेप्ट में समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट ही है लेकिन बहुत अच्छा है बेटा ये, क्योंकि कभी कभी ना चीजें इंट्रोडक्शन में समझ में आ जाए ना बाकी अपने आप समझ में आ जाती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ होगा, सुनो बेटा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों के दोनों कंबाइन हो रहे होंगे, है ना बेटा, अभी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल ये वाला है, कौन सा वाला, 1s वाला, राइट बेटा, वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन जब कर रहा होगा, कंबाइन कर रहा होगा, तो बेटा यहां पर आप जानते हो एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या है, इट इज अ स्पेस और द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 95-98%। हां बेटा, वो एक ऐसी जगह, ऐसा एक रीजन है, ऐसा स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना 98% है। तो ऐसे रीजन को जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की पॉसिबिलिटी 98% है, उस रीजन को बोलेंगे सर हम, दैट इज कॉल्ड एज ए एटॉमिक ऑर्बिटल। तो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन उस जगह पे होगा भाई। इलेक्ट्रॉन तो आपको याद होगा डी ब्रोगली अंकल ने बोला उसको, इलेक्ट्रॉन को क्या है, वेव नेचर, और आपने पढ़ा पार्टिकल नेचर, तो वेव नेचर मतलब वेव आ गया, वेव मतलब वेव फंक्शन आ गया। तो बात ऐसे करो ना भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा लेट विल से एज ए वेव फंक्शन, अभी ये इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो वेव फंक्शन वन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी वेव फंक्शन टू। और आप जानते हो बेटा कभी भी जब दो वेव अपने आपस में जुड़ते हैं तो दो पॉसिबिलिटी लेके जुड़ते हैं भाई, एक चाहता कंस्ट्रक्टिव और एक चाहता डिस्ट्रक्टिव। सुनो, अब ये दोनों के दोनों जो कंबाइन हो रहे होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, कौन सी दो पॉसिबिलिटीज होंगी, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ बेटा ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, और दूसरी हो सकती है क्या बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कहने की छोटी सी फिजिक्स आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, कैसे बेटा, कंस्ट्रक्टिव में ये दोनों जुड़ जाते हैं तो वेव फंक्शन वन प्लस वेव फंक्शन टू हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव में दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते हैं, वेव फंक्शन माइनस वेव फंक्शन टू हो जाता है। नहीं समझे, अब समझो, देखो ये वाला वेव फंक्शन भाई ये वाला है, ये वाला वेव फंक्शन भाई ये वाला है, अब जो दोनों जुड़ते हैं तो अब मालूम है बेटा इसका इसका क्रेस्ट ऐड हो गया, इसका ट्रफ ऐड हो गया, कुछ ना कुछ बन गई बेटा। यहां पर डिस्ट्रक्टिव में क्या होता, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, लाइन सीधी आएंगी। तो सीधी लाइन आने का मतलब क्या होता बेटा, सीधी लाइन आने का मतलब क्या होता कि सर ये आपका डिस्ट्रक्टिव वाला है और ये बेटा कंस्ट्रक्टिव वाला है। जब भी कंस्ट्रक्टिव होता है समझ जाओ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और जब भी डिस्ट्रक्टिव होता है समझ जाओ कि सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है। बेटा इसको मैं अपने तरह से समझाना चाहूंगा, ये जो मैंने आपको दिया ना ये एक्सप्लेनेशन अपनी एनसीईआरटी में है, यही एक्सप्लेनेशन आपके रेफरेंस बुक में भी है कि बेटा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी, क्या बेटा, या तो वो कंस्ट्रक्टिव में जाएगा या तो डिस्ट्रक्टिव में जाएगा। लेकिन मैं मेरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सुनो क्या है, मैंने यहां तक दे दिया, अब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो क्या है बेटा। जब भी दो एटम्स करीब करीब आते हैं, व्हेनेवर टू एटम्स कंबाइन टू ईच अदर और दे आर कमिंग नियर टू ईच अदर, तो देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी। कैसे टू पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी होती है भाई उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है या तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो बेटा कभी भी एक चीज याद रखना कि जब भी कोई दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वहां दो दो फोर्स काम करते हैं, पहला फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स,
तो क्या होगा बेटा, देखिए मैं तीन तीन चीजें लगा रहा हूं, ये तीन तीन बेटा, ए एफ का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, आर एफ का मतलब रिपल्सिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से बढ़ के हो तो समझ जाना दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया बेटा। रिपल्सिव अगर अट्रैक्शन से बड़ा है, समझ जाना दो एटम के बीच में नो बॉन्ड फॉर्म, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा ही नहीं। और बेटा कभी कभी दोनों के रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इक्वल भी आ जाए तब भी बोलना भाई इनके बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, नो बॉन्ड फॉर्म। अब ये मेरा कंसेप्ट पकड़ के चलो, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स आपको दिखा तो आप बोलना ये बीएमओ है, और जब भी रिपल्सिव फोर्स दिखा आप बोलना बेटा ये एबीएमओ है। समझा? समझ जाना कि जब भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखता है मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सिव, मतलब बॉन्ड बनेगा। कभी एबीएमओ आपको बीएमओ से बढ़ के आता है तो समझ जाना रिपल्सिव फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्टिव, मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये भी हो सकता भाई आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों इक्वल हो जाए तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करा लेंगे, और कैंसिल करने से क्या होगा बेटा, देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्म। ये मेरा तरीका है, तो आपको एनसीईआरटी में जो पढ़ा है वो पढ़ लो और ये भी तरीका समझ लो। तो क्या होता बेटा, दो एटम्स मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो गए तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो बीएमओ और डिस्ट्रक्टिव होगा तो एबीएमओ, मतलब होगा मतलब ऐसा नहीं होगा तो दोनों भी होंगे। Whenever two atoms combining, it always gives two molecular orbital. Which two beta? Bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. दोनों भी देंगे। लेकिन दोनों में अभी आपको ये देखना है कि किसकी फोर्स ज्यादा है। BMO की ज्यादा है, बॉन्ड बनेगा। ABMO की ज्यादा है, बॉन्ड नहीं बनेगा। BMO ABMO दोनों इक्वल आ गया, then also there is no bond form between two atoms. Is it clear? ये कंसेप्ट था बेटा जो आपको बताना था for the bonding and anti-bonding molecular orbital. एक बार देख लो बेटा इसे। बेटा अभी हमने जो देखा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में आपने क्या देखा है, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, ये देखा ना बेटा आपने, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन इट विल फॉर्म द बॉन्डिंग एज वेल एज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द पॉइंट विल राइट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। सही ना बेटा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। दूसरी बात बेटा, ये जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रहे हैं वो कैसे हो, दी एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर कंबाइनिंग which are combining must have same energy and same shapes, भाई इनकी shapes भी same हो और इनकी energy भी same हो। बेटा ये सबसे बड़ा और important concept है हमारे molecular orbital theory में, और ये अपने NCERT में लिखा हुआ है, same energy and same shape। भाई same shape का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझ लो, एस एस को कंबाइन करेगा, पी एक्स को ही कंबाइन करेगा क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन सेम होती है। बेटा पी वाई को कंबाइन करेगा, ओरिएंटेशन सेम हो भाई तभी होगा, पी जेड को कंबाइन करेगा। पर अगर आपने चाह कि भाई मैं पी एक्स को पी जेड से कंबाइन करना चाहता हूं तो नो सर, नॉट पॉसिबल, ये कभी भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आपको क्या रखना बेटा, सेम शेप सेम एनर्जी, मतलब एग्जैक्टली सेम की बात नहीं कर रहा है, सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी भी काम कर जाएगा, बट शेप शुड बी सेम क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन सेम हो, तभी जाके वो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट याद रहेगा बेटा आपको। दूसरा, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे आपको क्या मिलेगा बेटा, एक मॉलिक्यूलर और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुनो सर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये दोनों कंबाइन कर दिए तो आपको दो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहे हैं। कौन से बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल हैव ए लेस एनर्जी
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल हैव ए मोर एनर्जी। बेटा लेस द एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी एंड मोर द एनर्जी सर लेस द स्टेबिलिटी। तो आपने देख लिया जिसकी एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा, द मोर स्टेबल द बीएमओ द लेस स्टेबल द करस्पॉन्डिंग एबीएमओ। द मोर स्टेबल बीएमओ मतलब आपका बीएमओ जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम स्टेबल आपका एबीएमओ होगा। मतलब मोर स्टेबल बीएमओ द लेस स्टेबल द करस्पॉन्डिंग एबीएमओ। द लेस स्टेबल द लेस स्टेबल करस्पॉन्डिंग ए बी एम ओ, सही है ना। द मोर स्टेबल द बीएमओ द लेस स्टेबल करस्पॉन्डिंग ए बी एम ओ। मतलब आपका बीएमओ जितना जितना स्टेबल होते जाएगा आपका एबीएमओ उतना उतना अनस्टेबल होते जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा ना भाई, रिपल्सिव फोर्स कम ही होना है, वही वाला पॉइंट है होगा, राइट। अब दूसरी बात बेटा, जैसे कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हो, आपने देखा होगा ना बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दो। उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बेटा दो रहते हैं। लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट, बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट हाउ मेनी बेटा, अप टू टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आपने देखा होगा ना एटॉमिक ऑर्बिटल हो तो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक प्लस वन बाय टू तो दूसरा माइनस वन बाय टू। इसी तरह से लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू टू इलेक्ट्रॉन्स विथ क्या बेटा अपोजिट स्पिन, जानते हो प्लस वन बाय टू और माइनस वन बाय टू। ये डायग्राम में बता दूंगा मैं आपको, और ये जो होता है ये किसके अकॉर्डेंस होता है बेटा, इट इज है ना टू इलेक्ट्रॉन इन विथ अपोजिट स्पिन इन अकॉर्डेंस विथ पॉलीस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। आपको याद है ना पॉलीस अंकल के हिसाब से बेटा, नो टू इलेक्ट्रॉन विल हैव ऑल द फोर क्वांटम नंबर सेम, बस वही कंसेप्ट यहां पे लगा दिए। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। जैसे कि हमने देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ए सेम और नियरली सेम एनर्जी एंड दे कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। जैसे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप कैसे डिनोट करोगे बेटा, सिग्मा पाई। डेल्टा हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो ओनली, और हमारे सिलेबस में ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एज ए सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। नाउ हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, अभी जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, मैंने बताया ना दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद दे आर गोइंग टू फॉर्म द सिग्मा दैट इज बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग। तो इसका कंसेप्ट समझेंगे हम लोग। कभी भी देखो बेटा, ये जो होते हैं ना एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, एक तो एक्सियल ओवरलैप हो सकती है और एक आपका लैटरल ओवरलैप हो सकती है बेटा। एक्सियल ओवरलैपिंग से आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो आपको मिलेगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई मीन टू से मैं एक ही बात करूंगा बेटा, मैं सिग्मा की बात करूंगा, दिस एक्सियल ओवरलैप इज गोइंग टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अब वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा या तो आपको पाए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है बेटा, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा, अगर आपकी लैटरल ओवरलैप हो तो पाए। तो हम इसकी बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट अस से बेटा मेरे पास में एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरे पास एक 1s ऑर्बिटल है। आपको एक पॉइंट में बता दूं, सुनो बेटा, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ए सेम और नियरली सेम एनर्जी, मस्ट हैव ए सेम शेप, एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैपिंग करने वाले हैं ना,
दे मस्ट हैव ए सेम साइन. यहां लिख दो बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल विच ओवरलैप्स, सर विच ओवरलैप्स मस्ट हैव सेम साइन. सेम साइन हो, ओवरलैपिंग होगी मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल देगा. बात करो इसकी बेटा, ये आपके पास एक 1s ऑर्बिटल है, ये है 1s, साइन प्लस है बेटा. दूसरा 1s ऑर्बिटल है, इसकी भी साइन प्लस है. आप ये न्यूक्लियस मत समझना बेटा, इसके पास प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं तो सेम साइन वाले आ गए. बेटा जब भी आपको प्लस दिखता है समझ जाओ कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है. क्या कर रहा है बेटा, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. हो सकता है इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो आप इन्वॉल्व कर रहे हो बेटा, इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो जाए. माइनस का मतलब क्या होता है सर, डिस्ट्रक्टिव. तो भाई इनके बीच में ये भी पॉसिबिलिटी है. क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, कि इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है. मैंने आपको यही बताया ना बेटा, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को कंबाइन करेंगे दो दो पॉसिबिलिटी होती है, होने के चांस नहीं होती है. क्या बेटा, एक कंस्ट्रक्टिव वाली और एक डिस्ट्रक्टिव वाली. हो सकता है कंस्ट्रक्टिव की ताकत ज्यादा हो बॉन्ड बना ले, हो सकता है डिस्ट्रक्टिव की ताकत ज्यादा हो बॉन्ड नहीं बना ले. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है. मैं ये नहीं बोल रहा यही होगा, दोनों होगे, लेकिन देखना है. अट्रैक्टिव फोर्स अगर रिपल्सिव से ज्यादा तो बॉन्ड बनाएगा, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव से ज्यादा तो बॉन्ड नहीं बनाएगा. हमको वही इसी को समझाना है बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों एक साथ होते हैं. बेटा जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो ये एटॉमिक और एटॉमिक ऑर्बिटल से आपको क्या आएगा बेटा, सिग्मा स्टार. मतलब ये दोनों के दोनों कंबाइन होकर बड़ी सी चॉकलेट आ जाएंगी जिसके बीच में प्लस साइन आ जाएगा. अब आप जानते हो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए तो आप क्या बोलो, सिग्मा 1s. एंड कैन बी कॉल्ड एज बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ सर, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव है तो बॉन्डिंग ही होगा. वेरी गुड. अब इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव हो गया बेटा, ये दोनों कंबाइन नहीं करना चाहेंगे. ये चला इस तरफ, ये चला उस तरफ, ये पॉजिटिव साइन या ये पॉजिटिव साइन है. अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर ये जो बना रहा है इसको आप कैसे डिनोट करो बेटा, सिग्मा स्टार 1s, एंड इट इज कॉल्ड एज ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो देखो मैंने क्या बोला बेटा, जब आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, कैसे ये 1s और 1s जब कंबाइन करेगा तो आपको क्या देगा, आपको देगा सिग्मा 1s और आपको देगा बेटा सिग्मा स्टार 1s. सर सिग्मा 1s का मतलब BMO, सिग्मा स्टार का मतलब ABMO, दोनों दे दिया. देखो प्लस का मतलब कंस्ट्रक्टिव BMO, माइनस का मतलब डिस्ट्रक्टिव ABMO. एक आ गया सिग्मा 1s, एक आ गया बेटा सिग्मा स्टार 1s. अब एग्जामिनर एग्जाम में ये भी पूछता है आजकल नीट में बेटा, एक ये बोलो आजकल नीट में एक पैटर्न ही बन गया है कि आजकल क्वेश्चन है ना यहीं से पूछ लेता है. वो बोलेगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन है. सर नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्लेन जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो. सर ऐसा कोई प्लेन तो दिख ही नहीं रहा, तो यहां मैं बोल दू बेटा नंबर ऑफ नोडल प्लेन ऑन दिस केस इज इक्वल टू जीरो. मतलब द प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो है कुछ, यहां कुछ भी नहीं है. सर यहां देखिए एक मुझे नोडल प्लेन दिख रहा है, ये नोडल प्लेन है भाई. तो मैं बोलूंगा सिग्मा स्टार 1s में नोडल प्लेन कितने, तो बोलना 1. एनपी का मतलब बेटा नोडल प्लेन, कंफ्यूज मत होना. एनपी का मतलब क्या होता, नोडल प्लेन. सिग्मा स्टार 1s में कितने नोडल प्लेन, 1. सिग्मा 1s में कितने नोडल प्लेन, 2. राइट. तो देखो बेटा दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके आपको दो 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 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिए भाई, एक देगा बॉन्डिंग वाला और दूसरा देगा एंटी बॉन्डिंग वाला. राइट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. बेटा ये जो टॉपिक था अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके आपको एक तो बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देगा. तो अभी आपने देखा बेटा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन जीरो थे, लेकिन सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन एक आ गया. अभी आप सिग्मा 1s की बात करते हो तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं बात करूंगा बेटा कुछ पी ऑर्बिटल्स के. जैसे कि देखो हमारा एनसीईआरटी क्या बोलता है बेटा, एनसीईआरटी का कंसेप्ट ऐसा ही है कि जब भी आप इस तरह के पीएक्स पीवाई पीजेड ऑर्बिटल लेते हो, पीएक्स ऑर्बिटल होगा, पीवाई होगा, पीजेड होगा, तो एनसीईआरटी हमेशा यही बोलता है बेटा कि पीजेड ऑर्बिटल को आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेना है.
जैसे कि मेरे पास एक नाइट्रोजन आइटम है और आप जानते हो नाइट्रोजन आइटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन इस पी एक्स पी वाई पी जेड में, और दूसरा नाइट्रोजन आइटम भी होगा भाई उसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो यही होंगे, कौन से होंगे बेटा पी एक्स पी वाई पी जेड यही होंगे। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कौन? तो बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से आपने हमेशा लेना है पी जेड बिकम द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। भाई इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस पी जेड होती है, मतलब ये जो बनाएगा सबसे पहला बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ सिग्मा। इसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं बेटा वो बॉन्ड होते हैं पाई। तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि हमेशा आप पी जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेके चलो, राइट। चलो बात करते हैं इसी के बारे में। अब देखो बेटा मेरे पास में, मैं ये मिटा दूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए होना था, आईडेंटिटी हियर पी एक्स पी वाई पी जेड में पी जेड पी जेड इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस विच इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बट रिमेनिंग टू दैट इज ए पी वाई एंड पी एक्स दे आर इन्वॉल्विंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। आप भी जानते हो कि बेटा अपने एन टू मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड होते हैं, है ना, तीन है ना, पहला वाला सिग्मा, बाकी के दो क्या आ गए बेटा पाई। तो भाई ये सिग्मा किससे बना होगा? नाइट्रोजन के पी जेड से बना होगा और बाकी के बेटा पी एक्स और पी वाई से पाई बना होगा। अब इसी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझेंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे हुआ होगा। देखिए बेटा इसको एक्सप्लेन कराने के लिए मैं आपको दे रहा हूं पहले इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को कंसिडर करेंगे, पहले इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को कंसिडर करेंगे कैसे। तो देखो हमारे पास टू पी जेड है बेटा, टू पी जेड उसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। चलो एक काम करेंगे साइन से चलेंगे भाई, ये भी दूसरा टू पी जेड होगा, अच्छी बात है बेटा। आप जानते हो साइन अगर सेम हो ओवरलैपिंग होगी, प्लस माइनस, तो सर यहां पर अगर आप प्लस लगाते हो तो कैन बी से दिस इज कॉल्ड एज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी तरह से बेटा ये जो होते हैं आपके टू पी जेड भाई ये प्लस माइनस, ये भी बेटा आपका टू पी जेड ये भी प्लस माइनस, बट आपने करना क्या, ये प्लस है तो माइनस करा लो, तो सर ये क्या बन गया आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक आ गया आपका कंस्ट्रक्टिव और दूसरा आ गया आपका क्या बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव से क्या होता, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों प्लस मिलकर एक बड़ी सी चॉकलेट और छोटे से उसके रैपिंग ऐसे आ गए भाई, ये प्लस ये छोटे छोटे दो माइनस, मतलब क्या हुआ टू पी जेड अगर कंबाइन हो गए तो क्या दिया सिग्मा टू पी जेड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अच्छी बात है सर। सर नोडल प्लेन कितने हैं? देखो बेटा ये एक नोडल प्लेन और ये भी एक नोडल प्लेन, मतलब इसके अंदर नोडल प्लेन कितने आ रहे हैं? सर इसके अंदर नोडल प्लेन आपको दो आ रहे हैं, किसमें बेटा सिग्मा टू पी जेड बीएमओ में। चलो डिस्ट्रक्टिव की बात करो भाई, ये दोनों तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस है, सॉरी माइनस है और ये दो प्लस है, तो दोनों दोनों दूर भागेंगे कैसे, देखो ये बड़ा सा माइनस छोटा सा प्लस, फिर बेटा ये इसका छोटा सा प्लस इसका बड़ा सा माइनस, दूर दूर भागे ना, डिस्ट्रक्टिव है सर। मतलब ये क्या है सर, ये हमारा सिग्मा स्टार टू पी जेड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सर इसमें नोडल प्लेन कितने हैं? देखो बेटा एक नोडल प्लेन यहां से आ गया, एक नोडल प्लेन यहां पे आ गया और एक नोडल प्लेन यहां पे आ गया, मतलब ये पूरे केस में हमारे पास नोडल प्लेन कितने आ गए, तीन। बेटा अभी याद करो सिग्मा वन एस में नोडल प्लेन जीरो, सिग्मा स्टार वन एस के नोडल प्लेन, सिग्मा स्टार वन एस उसमें नोडल प्लेन कितने थे बेटा, दोनों दूर दूर के बीच एक नोडल प्लेन, तो सिग्मा वन एस में जीरो, सिग्मा स्टार वन एस में वन, सिग्मा टू पी जेड में टू, सिग्मा स्टार टू पी जेड में तीन, आ रहा। तो अब तक आपने क्या क्या देखा, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार वन एस, सिग्मा टू एस, सॉरी सिग्मा टू पी जेड एंड सिग्मा स्टार टू पी जेड, तो चारों में देखिए तो नोडल प्लेन सबसे ज्यादा किसमें आ रहा बेटा, सिग्मा स्टार टू पी जेड में। ये नीट में पूछता है नंबर ऑफ नोडल प्लेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन द गिवन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कुछ चीजें अपने आप में याद रख लो, जिसे मैंने बना के दिया ना वो याद रखो, आंसर आ जाएगा, राइट। ये हो गया। अब इसके साथ बेटा मैंने ये जो आपको बीएमओ एबीओ बताया, थोड़ा सा मैं आपको साइडवाइज ओवरलैप की बात कर लो, ये ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका, राइट।
अब मैं साइडवाइज ओवरलैप की बात कर रहा हूं। साइडवाइज मतलब देखो, आपने एक्सियल ओवरलैपिंग से तो सिग्मा ही बनाया ना बेटा, और सिग्मा स्टार भी बनता है, और सिग्मा भी बनेगा सिग्मा बीएमओ एंड सिग्मा स्टार बीएमओ। अब देखो लैटरल ओवरलैपिंग से आपके पाई बनते हैं बेटा, तो मैं लगा दूं। अब बात करेंगे हम किसकी बेटा, लैटरल ओवरलैप। सर लैटरल ओवरलैप मतलब कैसे होता है, साइडवाइज ओवरलैप, और साइडवाइज ओवरलैप से क्या बनेगा बेटा, पाई बी एम ओ या तो पाई स्टार बी एम ओ। भाई देखेंगे पाई और पाई स्टार की बात करेंगे, एक ही काम करेंगे ना सर, पहले पाई तो बना के देखेंगे पाई स्टार कैसा बनता है, विल सी इट। अभी आपने देखा था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 1 2 3, भाई ये तो सिग्मा था और ये था पाई, और मैंने आपको क्या कंसिडर करने को बोला, मैंने नहीं एनसीईआरटी बोला बेटा, पीजेड पीजेड को आप इंटरन्यूक्लियर ले लो तो बचा क्या बेटा आपके पास पी वाई एंड पी एक्स। तो हमेशा याद रखना बेटा, ओरिएंटेशन अगर ऑर्बिटल्स की सेम हो तो ओवरलैपिंग होगी, अगर पी वाई ऐसा है और पी एक्स आपका ऐसा आड़ा है तो ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होगी, ओरिएंटेशन मस्ट बी सेम। तो यहां पर लैटरल ओवरलैप की कर रहा हूं बात बेटा, ये आपका 2PY ले लो, प्लस ये भी आपका बेटा 2PY ले लो, ये साइन प्लस ये माइनस, ये साइन प्लस ये माइनस, ठीक है। दूसरा 2PY बेटा, ये भी क्या ले लो 2PY, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, बेटा प्लस है तो माइनस, प्लस से आप क्या बनाओगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, माइनस से आप क्या बनाओगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव मतलब दो प्लस एक दूसरे को जुड़ गए, ये डॉटेड लाइन क्या है, तो सर ये डॉटेड लाइन आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, क्या है बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब दोनों प्लस जुड़ गए तो भाई ये बड़ा सा प्लस आ गया, दो माइनस जुड़ गए तो ये बड़ी सी माइनस आ गई, ये क्या हो गया बेटा आपका साइडवाइज ओवरलैप से आपने क्या बनाया पाई टू पी वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बनाया बेटा पाई टू पी वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपसे पूछा जाएगा सर इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने हैं, तो क्या बोलना इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन एक है। देखो ये दिख रही ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही आपकी नंबर ऑफ, ये आपकी नोडल प्लेन होगी, मतलब इस प्लेन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी सर जीरो होगी। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन और नोडल प्लेन इन दिस पाई टू पी वाई बी एम ओ में इक्वल टू वन आ गई बेटा। आप देखो डिस्ट्रक्टिव है नेगेटिव है, क्या होगा ये दोनों एक दूसरे से दूर, फिर ये दोनों एक दूसरे से दूर, ये प्लस था माइनस, ये प्लस है माइनस, दिख रहा बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस। एक्चुअली में होता क्या है मैं बताता हूं, अगर ये सेम आ जाए तो ओवरलैपिंग कर लेगा, आपको ये जो दो साइन है ना अपोजिट में दिखानी है और ये भी साइन आपको अपोजिट में दिखानी है, तो ये क्या हो गया बेटा आपके डिस्ट्रक्टिव से आ गए, मतलब कैसा आया पाई स्टार टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो भाई नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने हैं, एक यहां से आ रहा और एक यहां से आ रहा, तो सर नंबर ऑफ नोडल प्लेन यहां पर कितने आ रहे दो। तो अब तक आपने जितने भी एबीएमओ और बीएमओ देखे सबसे ज्यादा नोडल प्लेन जहां तक मुझे याद है और आपको याद है कहां आया, वो आया कहां बेटा दैट इज ऑन द, हमने बनाया ना दैट इज सिग्मा स्टार टू पी जेड में तीन तीन नोडल प्लेन आ गए थे, बाकी किसी में जीरो है किसी में वन है किसी में टू है, लेकिन वही एक था सिग्मा स्टार टू पी जेड जहां पर नोडल प्लेन कितने आ गए थे तीन, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर बेटा इसको भी राइट। अब देखो ये जो मैंने आपको बीएमओ एबीएमओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बताया ना, तो किसी रेफरेंस बुक में मैंने एक सवाल देखा था, एक क्वेश्चन देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था बेटा कि उन्होंने पूछा, मैं आपको चार कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं और चारों कॉम्बिनेशन में कौन सी कॉम्बिनेशन गलत है या कौन सी कॉम्बिनेशन सही है ये आपको बतानी है राइट। तो देखो बेटा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट। मैं कुछ आपको पॉइंट्स क्लियर करा दूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये आपको बुक में ऐसा लिख के मिलेगा एलसीएओ।
मतलब आपने क्या देखा बेटा, हमने क्या देखा, एक 1s ऑर्बिटल था, दूसरा क्या था बेटा, यहाँ पर भी एक 1s ऑर्बिटल था, दोनों को देखो एक ही लाइन में लगा दिए, मतलब एनर्जी सेम है, जब दोनों कंबाइन हो गए तो भाई एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा, जिसकी कम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये था ना बेटा। ये दोनों देखो लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ एंड एबीएमओ, ठीक है। और एक बात बेटा, इसको आपने ऐसा समझा, ये जो बनाया आपने इसको ऐसा समझा, क्या था बेटा, आपके पास एक 1s ऑर्बिटल था, दूसरा वाला 1s ऑर्बिटल था, बेटा दोनों कंबाइन होके आपको क्या दिए, सिग्मा 1s बीएमओ, दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्ट्रक्टिव से क्या दिए, सिग्मा स्टार 1s एबीएमओ। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होते हैं, लीनियरली, क्योंकि दोनों एटम्स की एनर्जी सेम है और दोनों लीनियरली कंबाइन होके एक बीएमओ देगा और एक ऊपर वाला एबीएमओ देगा। तो बात वही कर दे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इनकरेक्ट, मतलब ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूं नीचे, उसमें से गलत वाला कौन सा है। तो सुनो, अब गलत कैसे पता है, पता करेंगे, आपको मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। फर्स्ट वन बेटा, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, मैं यहां पर देखो माइनस लगा दूं और यहां पर सेकंड में मैं यहां पर प्लस लगा लूं, तो ये प्लस है। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये दोनों मिलके आपको कुछ ये ऐसा और ये कुछ ऐसा मिलने वाला है, क्या बेटा ये कॉम्बिनेशन सही है कि गलत है, थोड़ा सोचो। तो अब क्या करेंगे, क्या आई विल टेल यू, इसके पीछे एक छोटा सा ट्रिक होता है, ट्रिक अप्लाई करो आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या करना, सुनो, एक रफ में बता रहा हूं मैं, पहले जो है वैसे बना लो, ये आपका ये पॉजिटिव है इसको पकड़ लो बेटा, ये साइन प्लस है इसको माइनस है प्लस करा लो, जैसे ही प्लस करा लिए ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो देखो बेटा, प्लस करने से दोनों साइन सेम है कि डिफरेंट है, सेम है भाई, दोनों एक दूसरे को जुड़ जाएंगी, अच्छी बात है, और जुड़ के बाकी बची वाली माइनस बाहर आ गई। तो सर ये तो कॉम्बिनेशन सही है, सही है नहीं है, मतलब इसके लिए मैंने एक रफ डायग्राम बनाया भाई, ये वाला राइट, पहला वाला कॉम्बिनेशन सही है। उन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला तो सही लगता सर, चलो सेकंड वाला ट्राई करेंगे बेटा। आप बता रहा मुझे ये प्लस है ये माइनस है, बेटा ये प्लस है ये भी माइनस है, ये माइनस कर दिया, ध्यान से बेटा, ये माइनस कर दिया और एक चॉकलेट बना रहा हूं मैं, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, लो चॉकलेट बना दिया मैंने, चॉकलेट बना दिया, तो ये माइनस वाली हो गई, ये प्लस और प्लस। बेटा आपको क्या लगता है, ये क्या ये कॉम्बिनेशन सही कि गलत है, देखो एक बार, देखो देखो अच्छे से देखो, आराम से देखो बेटा। अब देखो ये जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है, कि आपके हिसाब से क्या ये कॉम्बिनेशन सही कि गलत है, कैसे देखना है, पहले क्या करना, आपने जो बनाया वो तो बना लो, ये प्लस है ये माइनस है। अब क्या करना बेटा, ये साइन जो नेगेटिव इसको प्लस कर दो, जैसे ही प्लस करते हो ये प्लस बिकम माइनस और माइनस बिकम प्लस, क्या हो गया बेटा, दोनों नेगेटिव करीब करीब आ गए, ये आ गए दोनों कॉम्बिन हो गए, फिर ये चला प्लस और ये चला प्लस। तो सर इन इन दोनों के इससे जब मैंने माइनस को प्लस करा लिया, ये चेंज होके कॉम्बिनेशन सेम दिख रही है, मतलब ये भी मेरी कॉम्बिनेशन सही है, दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा, बेटा दोनों तो करेक्ट आ ही गए राइट, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तीसरा कॉम्बिनेशन दे रहा हूं बेटा, अभी थर्ड कॉम्बिनेशन विच आई वांट टू गिव, उसमें आपको सोच के बताना है कि सर ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ध्यान से हाँ, थर्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऐसा 3 और 4 नहीं होगा। मैं करा दू बेटा, यहां पर हो सकता है ये प्लस वाला ये माइनस वाला, बेटा ये भी हो सकता है ये प्लस वाला माइनस वाला ये माइनस, भाई माइनस तो आपको दिख भी रहा, कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और ये चली आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर में प्लस और ये चली माइनस। बोलो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है कि गलत है, देख के बताओ बेटा, क्या ये कॉम्बिनेशन सही है कि गलत है, प्लीज सी हियर, यू कैन आंसर इट बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, बहुत से बच्चों के आंसर आ रहे हैं,
तो मैं बताऊं सर, ये कॉम्बिनेशन आपकी गलत है, दिस इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। सर कैसे इनकरेक्ट हुआ, और पूछा भी इनकरेक्ट, तो ऐसा तो थर्ड ऑप्शन नहीं आना है। सुनो कैसे भाई, ये तो पहले बना लो, बन गया प्लस और माइनस, ये प्लस ये माइनस को प्लस करा दो, तो जैसे ही प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो बेटा दोनों साइन सेम होना था, सेम अलग अलग आ गए। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये चला यहां, ये चला यहां, ये चला यहां, ये चला, ये वाला प्लस, ये वाला बेटा उसका प्लस, ये प्लस माइनस तो माइनस प्लस हो गया ना, तो ये प्लस प्लस अलग, ये माइनस माइनस अलग, तो एक्चुअली इनसे मुझे ये आना था, ये आना था, आया ये, मतलब ये कॉम्बिनेशन मेरी गलत है, राइट, वेरी गुड बेटा। और एक है मेरे पास फोर्थ ऑप्शन, वो भी डाल के देता, दिखाता हूं, समझ लो कि वो भी कॉम्बिनेशन तो करेक्ट होनी ही है, क्योंकि इट इज सिंगल के अंदर ऑप्शन है भाई, तीन में एक करंट आ गई तो फोर्थ वाली तो करंट होनी चाहिए ना। तो लेट अस फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूं, ट्राई कीजिए बेटा आप लोग, क्या दिया है ये, प्लस और माइनस, ठीक है, और ये भी प्लस और माइनस, और प्लस करा दिए, राइट बेटा, ये प्लस करा दिए, अब क्या होगा, एक छोटा बड़ा, फिर एक छोटा बड़ा, क्या बेटा ये कॉम्बिनेशन सही है कि गलत है, देख लो एक बार। तो मैं बताओ, जब ये थी आपने इसको ऐसे बना लो प्लस माइनस, ये साइन को चेंज करा लो भाई, ये माइनस और ये प्लस, सर इससे मतलब नहीं है। देखो जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हो, सुनो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराते हो तो दोनों के दोनों ऑर्बिटल अपोजिट साइन वाले कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे, दूर दूर भागेंगे, ये देखो दोनों दूर भाग गए, प्लस एंड माइनस, इसके साथ कौन था प्लस, इसके साथ कौन है बेटा माइनस, दूर दूर चले गए। तो सर ये भी कॉम्बिनेशन हमारी कैसी है, करेक्ट कॉम्बिनेशन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड ऑल में, और ये मैक्सिमम आपको बुक में भी मिलेंगे, ये मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हमारे मॉड्यूल में आपको रेफरेंस बुक में मिलने वाले हैं, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बेटा। मैं इसके अलावा थोड़े से हटके क्वेश्चन और करना चाहूंगा, प्लीज डू इट फास्ट। हो गया, वेरी गुड, मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। बेटा ये क्वेश्चन देखो बोर्ड पे लगा के दिया, इन्होंने बोला कि एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार टू पी जेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय, बेटा अगर पाई की बात करा तो लैटरल ओवरलैप सही है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा, टू और थ्री में होगा। अभी भी आपने देखा था बेटा, व्हाट डिड यू सॉ हियर, ऐसे जब भी बनते हैं वो होते हैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो बनते हैं बेटा व्हाट इज दैट, इसको क्या बोलो आप, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको क्या बोलो बेटा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो वी शुड बी द करेक्ट आंसर बेटा, यहां पर आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, इज इट क्लियर, बना लो बेटा इसे भी। बेटा ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट, अब ये कौन सा करेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, वो भी पाई स्टार के लिए पूछ रहा है, राइट बेटा, पाई के लिए तो नहीं, पाई स्टार के लिए पूछ रहा है भाई। जहां तक आपको याद होगा ये आपका जेड एक्सिस की होती है, राइट, और जेड जो बनाता है टू पी जेड से बनाएगा, या तो सिग्मा टू पी जेड या तो सिग्मा स्टार टू पी जेड, राइट, जहां तक मुझे याद है और आपको भी याद है, सिग्मा टू पी जेड बीएमओ ये होगा, सिग्मा स्टार टू पी जेड ए बीएमओ ये होगा, ठीक है, सिग्मा की बात करिए, रूल आउट करा लो भाई, इन दोनों की बात करो, आपको मैंने यही पढ़ाया था, जब भी ऐसा आए व्हाट इट फॉर्म बेटा, इट विल फॉर्म द पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब भी ऐसे आए व्हाट इट विल फॉर्म बेटा, इट विल फॉर्म द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, राइट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट बेटा। ये क्वेश्चन देखो बोर्ड पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव ओवरलैप, बेटा ऐसे केस में जब भी पॉजिटिव ओवरलैप की बात करते हैं ना, तो क्या होना चाहिए, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए, मतलब हेड ऑन सेम ओरिएंटेशन कैन ओवरलैप बेटा, पीएक्स पीएक्स ओरिएंटेशन सेम कैन ओवरलैप, अगर पीएक्स ऐसा है और पीवाई आड़ा है तो रिप्रेजेंटेशन कभी भी इनकी ओवरलैपिंग ओरिएंटेशन सेम ना हो, ओवरलैप नहीं होगी। तो पॉइंट नंबर वन बेटा,
कि इनकी ओरिएंटेशन सेम हो एंड साइन भी सेम हो, साइन साइन प्लस एंड प्लस कैन ओवरलैप, तो बेटा सेम साइन विद सेम ओरिएंटेशन पॉजिटिव ओवरलैप। देखो बेटा प्लस एंड प्लस साइन सेम है और ओरिएंटेशन भी पीजेड एंड पीजेड सेम है, दैट मींस दिस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव ओवरलैप। बेटा यहां देखिए प्लस साइन और माइनस साइन ओवरलैप कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव ओवरलैप। बेटा यहां देखिए आपका ये प्लस यहां है माइनस यहां, एस ऑर्बिटल ऐसे कुछ आ रहा है, ओरिएंटेशन ठीक नहीं है बेटा, ओरिएंटेशन इज नॉट इन द करेक्ट वे, दैट मींस ऐसे इसमें ओवरलैपिंग होगी भी नहीं। तो फर्स्ट वन विल बी कॉल्ड एज ए पॉजिटिव ओवरलैप, सेकंड वन विल बी कॉल्ड एज ए नेगेटिव ओवरलैप एंड थर्ड वन विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, जीरो ओवरलैप। एनसीईआरटी में देख लो बेटा, पॉजिटिव ओवरलैप प्लस एंड प्लस, प्लस माइनस नेगेटिव ओवरलैप एंड ओरिएंटेशन सेम ना हो देन इट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, जीरो ओवरलैप। राइट, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यही बुक में मिलने वाले हैं। राइट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा सी दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिटन ऑन द बोर्ड, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विल फॉर्म बीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कौन सा बना सकता है बीएमओ, देखो थोड़ा देर बेटा, ये एस है और ये पी वाई है, तो इन्हीं इनकी ओरिएंटेशन सेम नहीं है तो ये तो कुछ भी नहीं बनाएगा, जीरो जीरो और लैप छोड़ दो। ये देखो बेटा इनकी ओरिएंटेशन तो सेम है मान गए, पर देखो साइन इनकी डिफर हो गई तो ये भी नहीं बनाएगा, चलो नेगेटिव ओवरलैप हो गया, काम का नहीं है भाई। यहां देखिए ये प्लस पी का और ये प्लस आपका डी ऑर्बिटल का, बेटा ये भी माइनस पी का और ये माइनस डी ऑर्बिटल का, हाँ सर चलेगा, आपका ये ऑर्बिटल पी एक्स ऐसा है और यहां से आपके दोनों डी के ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं और दोनों की साइन भी देखो सेम आ रही है, यहां से यहां यहां से यहां, मतलब इससे जो बनने वाला है वो आपको बनने वाला है पी पाई डी पाई बॉन्ड, मतलब पी डी पाई बॉन्ड बनने वाला है, साइन भी सेम है भाई, ओरिएंटेशन भी सेम है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पे आइए सर भाई, ये ओरिएंटेशन देखो इसकी ऐसी है और इसकी ऐसी है, किसी से ओवरलैप नहीं करेगा एंड इट डज नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड हियर। आ रहा बेटा समझ में, यही कंसेप्ट है बेटा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, मतलब आपको ये पूरे क्लासेस में इतनी चीज समझना है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ए सेम और नियरली सेम एनर्जी, दे शुड हैव ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब उनकी जो साइन हो ऑर्बिटल्स की साइन दे मस्ट हैव ए सेम साइन, देन ओनली ओवरलैप टेक प्लेस, और जब ओवरलैपिंग होगी तो दो पॉसिबिलिटीज आएंगी बेटा, एक आएगा अट्रैक्टिव फोर्स और एक आएगा रिपल्सिव फोर्स। सर अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड एज अबाउट बीएमओ एंड रिपल्सिव फोर्स कॉल्ड एज अबाउट बेटा एबीएमओ। राइट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। अभी हम सीखेंगे जो आपने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंड ऑल देखे हैं, अब इसमें हम बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसी लिखी जाती है वो सीखेंगे। दैट इज अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसी का ये वाला, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने आपको सारे सब बुक में ऐसे ही लिखा होता है कि बेटा ये जो z होता है ना, आप एक z कंसीडर करो, आज तक आप z को एटॉमिक नंबर समझ के चलते आए, बेटा अब इस z को समझना कि सम ऑफ द एटॉमिक नंबर, बेटा इसको क्या समझना, सम ऑफ एटॉमिक नंबर लेके चलना है। अब देखो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी सम ऑफ एटॉमिक नंबर इज लेस देन एंड इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो, या बेटा आपकी सम ऑफ द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14 हो, मतलब 14 से कम हो बेटा और इक्वल टू 14, 14 से बढ़ के हो या इक्वल टू 14, तो ऐसे केस में कॉन्फिगरेशन लिखने के थोड़े तरीके चेंज हो जाते हैं, ये सीखना है। पहला आएगा सिग्मा 1s, तो दूसरा आएगा सिग्मा स्टार 1s, तो इसका भी तो वही है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि आप एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे लिखते हो बेटा, आपको याद होगा पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2px 2py 2pz, वही केस है। अगर 1s की बात की है तो इसके BMO ABMO, इसकी एनर्जी इंक्रीजिंग है बेटा ऐसे। बाद में आएगा आपके पास सिग्मा 2s, तो सिग्मा स्टार 2s, देख लो बेटा
ये भी आपका सिग्मा 2s है और ये आपका सिग्मा स्टार 2s है। यहां तक तो दोनों चीज कॉमन चलती है, लेकिन अगर आपकी सम ऑफ एटॉमिक नंबर 14 से कम आ जाए, ध्यान से देखो बेटा, 14 से अगर कम आ जाए, अब कॉन्फ़िगरेशन में क्या चलेगा, सेम पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई एंड सिग्मा टू पी जेड। देखो इनकी एनर्जी सेम है और इसकी सिग्मा टू पी जेड की बढ़ गई। उसके आगे फिर चलो बेटा क्या आएगा, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये है आपके एक्चुअली लेस देन 14 इक्वल टू 14 का कंसेप्ट, लेकिन इक्वल टू 14 ग्रेटर देन 14 का कंसेप्ट तो यहां तक सही है भाई, चेंजेस इन दोनों में आने वाले हैं। ये जो आपको सिग्मा टू पी जेड दिख रहा है ना बेटा, ये आ गया यहां पर सिग्मा टू पी जेड और ये चला आपका यहां पर, दैट इज पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। याद रखो, फिर बाद में वही अपने क्या हो गए बेटा, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई और फिर आएगा बेटा आपका सिग्मा स्टार टू पी जेड। जितने भी स्टार वाले हैं एंटीबॉडी मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं और जितने भी विदाउट स्टार वाले हैं दैट इज बेटा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो ये मैंने लिखा के दिया। आपको एक खास बात बताओ, दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर ए होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। याद रखो बेटा, अप्लीकेबल फॉर होमो एटोमिक मॉलिक्यूल। सर होमो एटोमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या, हो सकता नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हो सकता ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्योंकि बेटा दोनों भी एटम सेम है ना, नाइट्रोजन एटम सेम एटम से बने होमो एटोमिक, ऑक्सीजन एटम सेम एटम से बने होमो एटोमिक। लेकिन अगर हेटेरो एटोमिक आ जाए उस केस में थोड़े चेंजेस, नहीं बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं बेटा। बेटा उस केस में अगर मैं बात करूं, उस केस में एक्स्ट्रा देखना है तो आपके ये जो ऑर्बिटल्स है, जैसे दिख रहा है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s जो दिख रहा है ना बेटा, वो सबसे आगे चले जाता है, सबसे आगे मतलब सीधा उड़ के यहां पर चले जाता है, कहां पर, सिग्मा 2pz में। मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, आई डिस्कस लेटर ऑन। उससे हमको ये मालूम पड़ता बेटा, अगर CO इज ए मॉलिक्यूल है, अगर उसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, आपको आपको बॉन्ड ऑर्डर उसकी 3 आती है, लेकिन CO का प्लस बना लो तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 आ जाती है, क्योंकि हमने अब तक इतना पढ़े कि बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी मोर देन 3, बट CO का CO प्लस जब बनता है उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 से 3.5 बन जाती है, बढ़ जाती है। और वो सीखने के लिए मैं आपको हेटेरो एटॉमिक कॉन्फिगरेशन भी बताऊंगा, बट फर्स्ट लेट मी फिनिश द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो क्या करो बेटा, Z की वैल्यू इक्वल टू 14 या लेस देन 14 हो तो पहले 1s का 1s स्टार, 2s 2s का स्टार, मतलब 2p पाई 2px इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर वही वाला पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py इक्वल टू सिग्मा स्टार 2pz। याद रहेगा बेटा, 1s 1s स्टार, 2s 2s का स्टार, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड सिग्मा 2pz लगा दिए, आखिरी में वही वाले उसके एंटीबॉडी पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन z की वैल्यू 14 से थोड़ा भी बढ़ गई भाई, तो ये जो है ना आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड सिग्मा 2pz करा लिए, इंटरचेंज करा लो, सिग्मा 2pz आगे आगे और ये दोनों के दोनों पीछे। इज इट क्लियर, ये कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका है। चलो इससे सीखेंगे, हमको सीखना क्या है, देखो बेटा मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, ये कंसेप्ट से आपको क्या मिलने वाला है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए तो बेटा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आएगा। बेटा अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने आ गया, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, बेटा जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सर जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी कम उसकी बॉन्ड लेंथ होगी, राइट बेटा। ये कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कहां से, इस कॉन्फ़िगरेशन से। बेटा जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी सीखो, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू जीरो हो दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और जिसकी बॉन्ड ऑर्डर जीरो ना हो वो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करेगा
लेकिन बता नहीं सकते कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड एनर्जी कितनी, बट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर किसकी बॉन्ड ऑर्डर जीरो होगी, वो बॉन्ड, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हम कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे। आप ये कॉन्फिगरेशन का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए, वेरी गुड, मिटा दो, वेरी गुड। अब देखो बेटा, मुझे यही चीज है ना, अभी मैं मिटा नहीं सकता हूं क्योंकि बार बार मुझे यही लिखना पड़ेगा। तो जस्ट आई वॉन्ट टू गो विथ वन एग्जाम्पल फॉर यू। सर हमसे पूछा गया है H2 मॉलिक्यूल, फिर पूछा गया है H2 प्लस मॉलिक्यूल, और फिर पूछा गया है H2 माइनस मॉलिक्यूल। बेटा H2 मॉलिक्यूल की सम ऑफ द एटॉमिक नंबर 2 आती है, कैसे, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गई, अच्छी बात है। बेटा H2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करा लो तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया, बेटा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा लो तो जेड की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आ गई, सही है। देखो सर इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो है ना। तो देखो बेटा आपने याद होगा मैंने बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन सेम अकॉर्डिंग विद द पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, तो सिग्मा 1s2, दो थे दो के दो आ गए। बेटा यहां पर एक ही है तो सिग्मा 1s1। सर यहां पर तीन है, सिग्मा 1s2, अब कहा गया सिग्मा स्टार 1s1, 2 प्लस 1 3। बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है ये कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय 2, याद रहेगा बेटा। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, विदाउट स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्डिंग, और विद स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके एंटी बॉन्डिंग। तो देखो बेटा ये इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, सर विदाउट स्टार में 2 है, स्टार वाले है ही नहीं, बाय 2 करा लो, बॉन्ड ऑर्डर 1, अच्छी बात है। सर इसकी बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ गई, बेटा इसकी भी निकालो, इसमें विदाउट स्टार में 1, स्टार वाले है ही नहीं, बाय 2 करा लो, 0.5 हो गई, ये भी सही है। बेटा इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में था 1, देखो स्टार में एंटी बॉन्डिंग में 1 बाय 2, 2 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 इक्वल टू 0.5। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा H2 की बॉन्ड ऑर्डर 1, H2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर 0.5, H2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर 0.5, किसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे H2 की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। आपने कंसेप्ट क्या सीखा था बेटा, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, सही है ना, जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो अब सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बोला H2 ज्यादा स्टेबल है। फिर बेटा इन दोनों में नेक्स्ट स्टेबल कौन है, आप बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर सेम, बॉन्ड एनर्जी सेम, स्टेबिलिटी सेम, गलत है बेटा। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे स्टेबिलिटी कम होगी, ये कंसेप्ट याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग में गया तो एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दैट मींस यहां H2 प्लस में एक भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट H2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक आ गया, मतलब हम बोलेंगे हमारा H2 माइनस लेस स्टेबल है, बट उससे तो H2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, हेंस इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो बेटा H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस देन H2 माइनस, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, राइट। अब यही कंसेप्ट मैं आपको, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यही कंसेप्ट मैं आपको अभी दूसरे मॉलिक्यूल से देता हूं, जस्ट आई वांट टू गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर विद अदर एग्जांपल्स, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, सो आई वांट टू डिस्कस विद यू दिस ऑल द पार्ट्स, क्योंकि यही पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यही डिस्कस भी करने हैं। बेटा से मुझसे पूछा गया व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ Li2, Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगाई है, इनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लगाई है, कुछ भी नहीं करना है। Li2 सम ऑफ द एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, क्योंकि अकेले लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, तो दो लिथियम से मिलके तो 6 आ गया। बेटा Li2 प्लस कर लो तो Z की वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की होगी, और Li2 माइनस कर लो तो Z की इलेक्ट्रॉन बेटा 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की होगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाते हो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, 2 4 6 खत्म, 5 पे आ जाओ बेटा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2,
सिग्मा 2s1 टू फोर प्लस वन फाइव खत्म। सेवन पे आ जाओ, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1 टू फोर सिक्स सेवन। बेटा इसकी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2+2 4। दिख रहा बेटा, बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार करना है, 2+2 4 बाय सॉरी माइनस, एंटी बॉन्डिंग 2 है बाय 2, 4 माइनस 2 2 बाय 2 2 बाय 2 1 खत्म। इसकी ले लो बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग 2+1 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 बाय 2 3 माइनस 1 1 बाय 2 1 बाय 2 0.5। इसकी भी ले लो बेटा 2+2 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है 2+1 3 बाय 2 दैट इज 1 बाय 2 0.5। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ये वाली है, मतलब क्या मैं बोलू बेटा मेरा Li2 ज्यादा स्टेबल है। फिर बेटा Li2 प्लस और Li2 माइनस में देखो Li2 मोर स्टेबल है। बेटा Li2 प्लस Li2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे उतनी स्टेबिलिटी कम आएंगे। एंटी बॉन्डिंग में 2 है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 2+1 3 है, ऑब्वियसली आपका Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा देन दी Li2 माइनस, सो हेंस इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस वन। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी, राइट। अब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी 2 एग्जांपल से करा के दिया, अब मैं आपको एक चीज सिखा दूं कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। आई विल डिस्कस विथ यू दैट। देखो बेटा एक एग्जांपल ऐसा दिया गया था, एक दिया बेटा HE2 मॉलिक्यूल और एक दिया HE2+ मॉलिक्यूल। आ जाए तो हीलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है बेटा 2, तो 2 हीलियम आने से Z इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये कितने हो गए बेटा आपके 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसकी कॉन्बिनेशन लिखो 4 मतलब सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। बेटा इसकी लिखो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 क्योंकि 3 है ना 2+1 3। चलो इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 बाय 2 2 माइनस 2 बाय 0 0 बाय 2 0। अरे सर बॉन्ड ऑर्डर 0 का आने का मतलब ये H2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, HE2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सारा बच्चा बच्चा जानता है बेटा हीलियम अपना अपने आप में स्टेबल है, नोबल गैस है, और वो स्टेबल एटम दूसरे स्टेबल एटम को कंबाइन नहीं करेगा, सो HE मॉलिक्यूल बनता ही नहीं क्योंकि बेटा अपना हीलियम कैसा है मोनो एटॉमिक गैस है, और ये मोनो एटॉमिक गैस मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1 है, और ऐसा ही एग्जिस्ट करेगा एज ए HE गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए HE2। लेकिन HE2 प्लस एग्जिस्ट करेगा कैसे, देखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 कितनी आ गई 0.5। 0.5 का मतलब भाई ये HE और ये HE के बीच में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। 0 का मतलब है इस HE और HE के बीच में बॉन्ड क्रिएट ही नहीं हुआ, भाई बॉन्ड ही नहीं बना तो मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट करेगा, और यहां पे कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आधा आधा यहां यहां शेयर करके दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लाके HE2+ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। सो डिड यू अंडरस्टैंड बेटा कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। चलो अब मैं आपको इसका कंटिन्यूटी पार्ट दे रहा हूं जो एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड दे विल आस्क इन द एग्जाम्स आल्सो व्हाट इज दैट। सुनो ध्यान से सुनो बेटा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है आपको 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास जा रहा है, तो मैं इस पार्ट को कंटिन्यूटी पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में कर लूंगा, बट लेट मी फिनिश दिस वन कि क्या बताते हैं। मुझसे पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ N2 मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो बेटा N2 मॉलिक्यूल में सबसे पहले आपको Z निकालने हैं, 7+7 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब पहली कॉन्फिगरेशन काम की है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू, अब आएगा बेटा पाए, दैट इज पाए टू पी एक्स इक्वल टू पाए टू पी वाई। सुनो बेटा 14 को कैसे भरना, 2 प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट, हंट्स रूल लगाना 9 10 देन पेरिंग होती है 11 12, फिर आ गया 12 प्लस टू, ये आ गया बेटा 14। देखो 2 4 6 8 10 12 14। अब मुझसे पूछा गया N2 मॉलिक्यूल की कॉन्फिगरेशन में आपको कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा, तो मैं बोलूंगा सर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल। बेटा नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन N2 मॉलिक्यूल मतलब नेचर कैसा हो गया, N2 मॉलिक्यूल इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोले तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू जीरो, बिकॉज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट उसकी क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद हमसे पूछा गया इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी, तो आप बोलना नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाय टू। बेटा बॉन्डिंग मतलब विदाउट स्टार 2 4 6 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग विद स्टार 2 4 10 माइनस 4 6 6 बाय 2 3। इसका मतलब हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं इन दो आइटम के बीच में 3 बॉन्ड है। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू आइटम इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड ऑर्डर। N2 का खेल हो गया, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, द लास्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू O2 मॉलिक्यूल भी ले लिए राइट पक्का वेरी गुड। और सेकंड एग्जांपल मैं देने आया हूं बेटा O2 मॉलिक्यूल पे, मॉलिक्यूल O2 है, सुनो मॉलिक्यूल O2 है, मॉलिक्यूल O2 बेटा 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आती है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये कॉन्फिगरेशन आगे पीछे हो जाएंगी कैसे, 2 4 6 8, देखो बेटा 2 4 6 8, अब ये आएगा 8, बेटा 8 प्लस 2 10, 10 देन 11 12 पेरिंग 13 14, फिर ये आ गया 14 देन 15 16, ये ही ना बेटा 2 4 6 8 10 11 12 पेरिंग 13 14 15 16, हंस रूल है ना, जितने अवेलेबल ऑर्बिटल हो एक एक भरो, हंस रूल भर दिए। तो सर इस O2 की कॉन्फिगरेशन में आपके पास दो दो अनपेड दिख रहे, कहां पर है, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py विल हैव टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर आपने क्या पढ़ा, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज ए पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। पर आपने देखा बेटा MOT तो इसी के लिए देखा गया ना कि O2 लगता तो डायमैग्नेटिक है, बिहेव करता पैरामैग्नेटिक, हाँ भाई पैरामैग्नेटिक ही है, क्योंकि देखो इसके पास पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py में दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, एंड प्रेजेंस ऑफ दीज टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इंडिकेट इट इज अ व्हाट, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, वेरी गुड। नंबर ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग 2 4 6 8 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग बेटा स्टार वाले 2 4 5 6, 10 माइनस 6 4, 4 बाय 2 2, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं ओ के बीच में डबल बॉन्ड है। आगे बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालना राइट। अब मैं एक काम करूंगा बेटा, ये जो मैंने सिंपल मेथड बता दी है, मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर फॉर हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा CO, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, CO प्लस 3 से कम आना वो 3 से बढ़ के आता 3.5, दैट पार्ट, एंड विद दैट वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, उसके ट्रिक्स क्या होते हैं, उससे हम लोग बॉन्ड लेंथ कैसे बताते हैं, कुछ कंपाउंड देके उनकी OO की बॉन्ड लेंथ देखी जाती है। दिस ऑल द पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। एक काम करना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, एंड आफ्टर दिस स्क्रीनशॉट व्हाट आई विल डू, ये पार्ट बहुत लंबा हो गया बेटा, 1.5 आवर का क्लास हो गया, मेरे ख्याल से 1 आवर 15 मिनट का वीडियो हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक द 2 आवर्स एंड ऑल, तो मैं इसको कंटिन्यू करा के यहां पर रोक के द सेकंड पार्ट ऑफ इट आई विल कंटिन्यू इन माय अनदर वीडियोस में, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय। एंड इफ यू लाइक, अगर आपको मेरा वर्क पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू बेटा।